नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर एक नई जानकारी के साथ इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, CSC न्यू ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आप जो है उद्धरण खतौनी किस तरह से निकाल सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से तहसील में खतौनी को निकाला जाता है, उसी तरह से आप अपने जनसेवा केंद्र से जो है खतौनी को निकाल कर आप कस्टमर को प्रोवाइड करा सकते हैं और अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी अगर पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे दोस्तों आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए जानकारी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ई डिस्ट्रिक्ट को सबसे पहले आपको लॉगिन करना है अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के। जैसे ही आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं तो देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जैसे ही लॉगिन करके आप इसके होम पेज पे आते हैं तो यहाँ पर आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे राजस्व विभाग वाले ऑप्शन में। राजस्व एवं पंचायती विभाग में आपको यहाँ पर खतौनी की नकल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे ही खतौनी की नकल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है एक पेज ओपन होके आ जाता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जो है डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ आप अपने जिले को सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी जिले से आप, जिस भी कस्टमर का आप उद्धरण खतौनी निकालना चाहते हैं उसका यहाँ से जिला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अब आपको जो है अपना तहसील सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी तहसील का आप निकालना चाहते हैं। उसके बाद आप रकबा सेलेक्ट करेंगे, जिस भी ग्राम पंचायत से आप, जिस भी पंचायत का गांव का आप यहाँ से उद्धरण खतौनी निकालना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब नीचे ऑप्शन आता है खाता संख्या का। तो यहाँ दोस्तों आपको कस्टमर का खाता नंबर डालना है, जो भी खेत का उसका खतौनी का खाता संख्या है वो यहाँ पर दर्ज करना है। अगर आपको नहीं पता है तो ऊपर एक लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही यहाँ इस पर लिंक क्लिक करते हैं, लिंक पर क्लिक करने के बाद आप भूले की वेबसाइट पर डायरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ से आप जो है अपना जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद तहसील सेलेक्ट कर लेंगे, बाद उसके बाद विलेज सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको यहाँ से जो है खाता संख्या मिल जाती है। तो यहाँ अगर आपका खेत का गाटा संख्या पता है तो यहाँ से खाता नंबर निकालने का, नहीं पता है तो यहाँ नाम से आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ नाम से सर्च करेंगे तो उस जिस भी कस्टमर का आप यहाँ, जिस भी इंसान का निकालना चाहते हैं वो यहाँ पर आ जाता है, उसका यहाँ से खाता संख्या देख सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं खाता संख्या सामने आ रही है, कोई एक खाता संख्या जिसका भी आप निकालना चाहते हैं खाता जो उद्धरण खतौनी, तो यहाँ से आप नोट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ फिर वापस ई डिस्ट्रिक्ट वाले पेज पे आएंगे, यहाँ पर आप खाता संख्या दर्ज करेंगे। खाता संख्या दर्ज करने के बाद आप आवेदक का यहाँ पर नाम डालेंगे। तो आवेदक का नाम डाल दिया दोस्तों आपने, फिर उसके बाद एक आवेदक का मोबाइल नंबर आपको देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे जैसे ही आप डिटेल भर के फिर डिजिटल दस्तावेजी खतौनी पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने एक जनरेट रोर फाइल आ जाती है। तो इस तरह से जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है उद्धरण खतौनी आपका यहाँ पर ओपन होके आ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर निःशुल्क उद्धरण खतौनी निकलता है, कोई भी चार्ज आपसे कट नहीं किया जाता है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, अब अगर आप CSC के थ्रू ई डिस्ट्रिक्ट से अगर ये उद्धरण खतौनी निकालते हैं तो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरे माध्यम से अगर ई डिस्ट्रिक्ट ले रखे हैं तो दोस्तों उसका अगर चार्ज कटता है तो उसके बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं उद्धरण खतौनी डिजिटल हस्ताक्षरित खतौनी है। आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर जन सुविधा केंद्र से निर्गत, तो यहाँ से जन सुविधा केंद्र से निकाली हुई खतौनी है। ये बिल्कुल उद्धरण खतौनी होती है, जो काम तहसील की खतौनी करती है वही काम ये वाला खतौनी आपका करता है। तो दोस्तों, यहाँ से आप खतौनी निकाल कर, उद्धरण खतौनी निकाल कर यहाँ से आप अच्छा खासा जो है इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू दोस्तों।